हाय एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपीयू का सिलेबस, सीबीआई एपीयू का सिलेबस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीआई एपीयू का सिलेबस का अभी रिक्रूटमेंट आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म भरा हो और अगर नहीं भरा है तो आप उसे देख सकते हैं। सीबीआई एपीयू का सिलेबस जो है वो सिंपल सा सिलेबस है, लेकिन इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली और एग्ज़ाम से थोड़ा हाई होता है। एपीयू क्लियर करने का, किसी भी एग्ज़ाम का, स्टेट का या फिर सीबीआई का एपीयू क्लियर करने का सबसे जो अच्छा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप हायर जुडिशियल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं और उससे उसके साथ साथ आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारा जो स्टेट लेवल स्टेट में जो जुडिशियल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसमें कई सारे स्टेट्स में एलिजिबिलिटी नहीं होती एचजेएस देने के लिए। तो एपीयू एक ऐसा अच्छा माध्यम है जिसको अगर आप इनिशियली क्रैक कर लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं तो आप एचजेएस दे सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लीगल रिसर्च से रिलेटेड हैं या आप एडवोकेट हैं या लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पे लॉ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सीबीआई एपीयू का सिलेबस जो है वो है आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट एपीयू के लिए वैसे भी हर स्टेट में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इसके बाद जो दिल्ली में इंपॉर्टेंट है वो सीबीआई में जो इंपॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम एज यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, वो एक दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सीबीआई जो है बेसिकली इसी एक्ट के थ्रू इनैक्ट की गई है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। इसके लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो कुछ रिकमेंडेशंस आपके लिए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, उसके बाद आप बेयर एक्ट्स देखें, और तीसरे नंबर पे आप केस लॉज को ज़रूर पढ़ें। केस लॉज इससे रिलेटेड आप ज़रूर देखें क्योंकि केस लॉज को अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। अगर अवेलेबिलिटी हो तो यूपीएससी ने जो पहले आईएएस के जो एग्ज़ाम्स होते थे वो कंडक्ट कराता था, उसमें लॉ का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता था। अगर पुराने पेपर्स आपको मिल जाते हैं तो एक बार आप उन पैटर्न से समझ सकते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।